भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। गारंटी, आम भाषा में अगर हम गारंटी शब्द को समझें तो इसका साधारण सा अर्थ है वादा करना। मतलब इस शब्द का कहीं भी इस्तेमाल किया जा रहा है तो सीधा सा अर्थ है पूरे विश्वास के साथ ये दावा करना कि जो कहा जा रहा है वो 100% सही है, और अगर गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। लेकिन इसका अर्थ देश की राजनीति में राजनेताओं का कुछ और ही होता है। राजनेताओं के लिए गारंटी जैसे चुनाव जीतने के लिए कोई फॉर्मूला हो गया है। चलिए आज हम इसी फॉर्मूले को समझ लेते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में बस कुछ ही समय बचा है। मौजूदा लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और 19 अप्रैल 2024 लोकसभा चुनाव की पहली चरण की वोटिंग होनी है। इस चुनाव में सभी राजनीतिक दल अपनी जीत के लिए अपनी आखिरी दांव पेच लगाने में जुटे हुए हैं। पार्टियां अपनी गारंटियों के जरिए हर एक तबके के वोटर्स को साधने में जुटी है, और इसके लिए सियासी दलों में तो जैसे जनता को गारंटी देने की होड़ सी लग गई है। इसलिए हर बार की तरह इस बार भी लोकसभा चुनाव में गारंटी ने जोर पकड़ लिया है। इस समय नेताओं के जुबानी हमलों के बीच अगर कोई सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो है गारंटी। लेकिन क्या भाजपा की मोदी की गारंटी और सामने विपक्ष यानी कांग्रेस की घर घर गारंटी का जनता पर कितना असर पड़ेगा, इसका फैसला तो 4 जून को ही हो पाएगा। लेकिन इससे पहले ये गारंटी चुनावी मुद्दा जरूर बनता जा रहा है। आइए इन पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कांग्रेस की गारंटियों की। कांग्रेस ने इस बार अपने चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जनता से वादा किया है कि वो बिना किसी भेदभाव के देश के हर नागरिक को उसके हक, धार्मिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। इसके लिए पार्टी ने इसे न्याय पत्र नाम दिया है। बीते शुक्रवार को कांग्रेस ने 48 पन्नों का अपना घोषणा पत्र जारी किया। गारंटी के सीजन में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 5 न्याय, 25 गारंटी, 300 से ज्यादा वादे किए हैं, जिसमें नौकरी देने, किसानों की कर्ज माफी, खाली पद भरने, महिलाओं को भत्ता देने, एमएसपी की गारंटी देने जैसे तमाम वादे तो कांग्रेस पहले ही करती आई है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय का नया पन्ना जोड़ दिया है। 5 न्याय में हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर आधारित है। यहाँ संविधान की प्रस्तावना के रूप को सामने रखकर कांग्रेस संसद, चुनाव आयोग, जांच एजेंसी, अदालत, मीडिया, चुनावी लोकतंत्र समेत हर उस जगह बदलाव के साथ न्याय की बात कह रही है। इसे समझने के लिए इसके पॉइंट्स को समझना जरूरी है। कांग्रेस कहती है कि सत्ता मिली तो मानहानि के जुर्मे को अपराध मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन बता दें कि राहुल गांधी मानहानि के मामले में ही 2 साल की सजा मिलने पर कुछ दिन संसद सदस्यता से अयोग्य रहे। कांग्रेस का वादा है कि इंटरनेट के मनमाने और अंधाधुंध सस्पेंशन को खत्म करेगी, क्योंकि देश में कई आंदोलनों के दौरान लंबे वक्त तक कानून व्यवस्थाओं की स्थिति को देखते हुए इंटरनेट बंद किया जाता रहा है। कांग्रेस ने वादा किया है कि शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अधिकार को बनाए रखेगी। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली तक जाने की इजाजत नहीं मिली थी। इसके अलावा ये वादा भी किया है कि भोजन, पहनावे, प्यार, शादी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कांग्रेस का निशाना लव जिहाद कानून और जाप पहनाने से रोकने के नियम पर लगता है। अब बात कर लेते हैं सत्तारूढ़ बीजेपी की गारंटियों की। 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की नजर हैट्रिक लगाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता पर काबिज होने की कवायद में जुटी है। इसके लिए पार्टी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है। इसके साथ ही बीजेपी 2024 के चुनावी अभियान में मोदी की गारंटी पर खास फोकस कर रही है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के उन वादों का जिक्र किया जा रहा है जिन्हें उन्होंने पूरा किया। सूत्रों की माने तो भारतीय जनता पार्टी इसी हफ्ते लोकसभा चुनाव को लेकर अपना घोषणा पत्र यानी कि संकल्प पत्र जारी भी कर सकती है। बताया जा रहा है कि नवरात्र में ही संकल्प पत्र जारी करने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में विकास, विकसित भारत, महिला, युवा, गरीब और किसान पर फोकस रहेगा। बीजेपी वही वादे करेगी जो पूरा किया जा सकता है। संकल्प पत्र में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर भी फोकस रहेगा। संकल्प पत्र का थीम होगा मोदी की गारंटी, विकसित भारत 2047। अब हम इन कुछ खास मुद्दों के जरिए दोनों पार्टी की गारंटी को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये क्या कहना चाहती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका साफ संकेत दिया है कि इस चुनाव में उनके प्रचार में मोदी की गारंटी रहने वाला है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के अनुसार मोदी की गारंटी युवाओं के विकास, महिलाओं के सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और उन सभी हाशिए पर पड़े और कमजोर लोगों के लिए गारंटी है जिन्हें दशकों से नजरअंदाज किया गया है। कांग्रेस की न्याय गारंटी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना के राज्य चुनावों के कुछ हद तक फायदा होता दिखा जब उसने लोगों को गारंटी दी।
अब लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी ने युवाओं, किसान, महिलाओं, मजदूरों, आदिवासी समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने के साथ साथ भागीदारी न्याय के मकसद से अपने घोषणा पत्र में अपनी 5 न्याय 25 गारंटी की घोषणा की है। मणिपुर से मुंबई तक राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान लोगों के सामने न्याय की गारंटी पेश की गई। बेरोजगारी और महंगाई, कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन बेरोजगारी और जरूरी चीजों की बढ़ती कीमतों का मुद्दा उठाता रहा है। उन्होंने बार बार कहा है कि नौकरियों की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। बीजेपी ने रोजगार, बढ़ोतरी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का हवाला देते हुए पलटवार किया। इस चुनावी मौसम में रोजी रोटी से जुड़े इन मुद्दों पर बहस तेज है। अनुच्छेद 370, CAA और समान नागरिक संहिता, ये तीनों मुद्दे बीजेपी के लंबे समय से किए गए वादों में शामिल रहे। भाजपा संशोधित नागरिकता अधिनियम 2019 को लागू करने और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की अपनी उपलब्धि को पेश कर रही है। बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कानून तैयार करने के अपने मकसद के अग्रदूत के रूप में उत्तराखंड में भी समान नागरिक संहिता पर एक कानून पारित कर दिया है। मोदी सरकार ने फैसले कर ये दिखाने की कोशिश की है कि वो जो कहती है वो करती है। राम मंदिर, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को बीजेपी ने जबरदस्त उत्साह के साथ मनाया। बीजेपी नेताओं ने सदियों पुराने सपने को साकार करने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दिया। इस मौके पर हिंदी भाषी राज्यों के ज्यादातर हिस्सों में भगवा झंडे फहराए गए और इसका प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया गया। यहां तक कि विपक्षी नेता भी मानते हैं कि राम मंदिर से बीजेपी को उत्तर भारत में फायदा हुआ है। विशेषकों का मानना है कि बीजेपी को कम से कम 370 सीटें मिलने का ज्यादा भरोसा इसी राम मंदिर लहर से पैदा हुआ। विचारधाराओं का टकराव, ये चुनाव एक महत्वपूर्ण चरण का भी प्रतीक है, जिसे कई लोग बीजेपी और कांग्रेस के बीच विचारधाराओं की लड़ाई कहते हैं। दोनों पार्टियां अपने वैचारिक सिद्धांत लोगों के सामने रखेंगी और उनसे किसी एक को चुनने के लिए कहेंगी। किसानों के मुद्दे और MSP की कानूनी गारंटी, चुनाव से ठीक पहले दिल्ली के पास किसानों का आंदोलन भी चर्चा में हवा रहने की संभावना रही। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने किसानों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने का वादा किया। बीजेपी नेता किसान नेताओं की चिंताओं को दूर करने के लिए उनसे बातचीत कर रहे हैं और वे आरोप लगा रहे हैं कि कई आंदोलनकारी राजनीति से प्रेरित थे। सरकार ने इस बात पर भी जोर दिया है कि कैसे उसकी PM किसान योजना ने खेती करने वालों के जीवन को बदल दिया। ज्यादातर चुनावों की तरह किसानों के मुद्दे इस बार भी महत्वपूर्ण होंगे। इलेक्टोरल बोन मामला, चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बोंड का आंकड़ा सार्वजनिक कर दिया। कांग्रेस ने इलेक्टोरल बोंड योजना में कथित भ्रष्टाचार के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से उच्च स्तरीय जांच, उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज करने की मांग की। चुनाव से ठीक पहले यह मुद्दा सामने आया और विपक्ष ने इसे हाथों हाथ ले लिया, लेकिन ये जमीनी स्तर पर काम करेगा या नहीं यह भी देखना बाकी है। विकसित भारत का नजरिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का लक्ष्य एक विकसित राष्ट्र बनाना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार 2047 तक इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। विकसित भारत का दृष्टिकोण बीजेपी के चुनावी अभियान में महत्वपूर्ण रहने की संभावना है, जबकि विपक्ष इसे और जुमला करार दे रहा है। हालांकि चुनाव अभियान के दौरान ये एक प्रमुख विषय बना रहेगा, अमृतकाल बनाम अन्यायकाल। चुनावी मौसम के दौरान बीजेपी का यह दावा होगा कि मोदी सरकार ने अमृतकाल में सुशासन, तेज गति से विकास और भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण का आश्वासन दिया। दूसरी ओर कांग्रेस ने मोदी सरकार के 10 सालों को बेरोजगारी, बढ़ती कीमती संस्थाओं पर कब्जा, संविधान पर हमला और बढ़ती आर्थिक असमानताओं वाला अन्यायकाल करार दिया। इन सबके बीच जनता बड़ी कंफ्यूज है कि किसकी गारंटी पर वो भरोसा करे। जहां कांग्रेस की ओर से बताया गया कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो भागीदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय पर आधारित होगा, इसमें 25 गारंटियां शामिल होंगी। उधर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को गारंटी कार्ड बता रहे हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी जमकर गारंटी देते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से चुनावों में इसका इस्तेमाल हो रहा है उसे लेकर सवाल उठता है कि क्या गारंटी के जरिए सत्ता पर काबिज हुआ जा सकता है। अगर हाँ तो सवाल उठता है कि जब कांग्रेस बीजेपी समेत सियासी दलों की ओर से गारंटी दी जा रही है तो वोटर किसकी गारंटी पर यकीन करें। फिलहाल ये तो चुनाव नजदीक आने पर और नतीजों के बाद साफ हो ही जाएगा। @9 में आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। धन्यवाद।